नमस्कार, मैं करुणा देशमुख और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। खबर है महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेकेल खुर्द की, जहां एक बार फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना में भारी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फिर से वृद्धावस्था पेंशन योजना में आधार कार्ड में उम्र को बढ़ाकर लगभग 70 से 80 लोगों के नाम से पिछले 10 वर्षों से अपात्र लोगों को पात्र बनाकर लाभ लेने की शिकायत होने पर 4 सदस्यीय टीम जांच में पहुंची। लाभ लेने वाले सभी हितग्राही अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जांच अधिकारियों के समक्ष बयान देने के लिए प्रस्तुत हुए। शासकीय राशियों का आहरण करने के मामले में जांच टीम के समक्ष यह बात आई कि हितग्राही अभी भी लगातार वृद्धावस्था पेंशन कार्ड बनने के दिनांक से आज तक पेंशन योजना का लाभ लेते आ रहे हैं। एक महिला ने यह बताया कि पुराने सरपंच के कार्यकाल से यह लाभ मिल रहा है। वहीं अन्य हितग्राही ने बताया कि मनरेगा एवं अन्य योजना में काम करके मजदूरी ली है। शिकायतकर्ता पूर्व सरपंच पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार वर्तमान सरपंच के पूर्व कार्यकाल वर्ष 2004 से 2009 के दौरान बनाए गए थे। जब मेरा समय आया तो कम उम्र के लोगों की वृद्धावस्था पेंशन पास होकर आई। तब मैंने मतदाता सूची, मनरेगा भुगतान सूची एवं लोगों की पहचान कर शिकायत की थी। आज 10 वर्ष बाद शासन नींद से जागा और जांच हो रही है, और मैंने जांच टीम के समक्ष बयान देते हुए कहा है कि राशि की रिकवरी होनी चाहिए। ज्ञात हो कि 4 सदस्यीय जांच टीम ने महासमुंद से समाज कल्याण विभाग की उप संचालिका संगीता सिंह, पंचायत सहायक संचालक दीप्ति साहू, जनपद पंचायत पिथौरा के CO प्रदीप प्रधान एवं करोड़पड़ अधिकारी सुशील चौधरी एवं पंचायत अधिकारी दिनेश दीक्षित सहित पंचायत कर्मी एवं सरपंच सहित सभी मौजूद हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ 40 हितग्राही, जो हमको जानकारी प्राप्त हुई कि वो पात्र नहीं है पेंशन के, तो उसके संबंध में ये ग्राम पंचायत बरेकेल खुर्द में जो भी हम दस्तावेज उपस्थित थे और सरपंच सचिव से आपसी चर्चा और अवलोकन के पश्चात निर्णय अभी लंबित है, क्योंकि इसके संबंध में किसी भी पेंशन हितग्राही को तत्काल नहीं रोका जा सकता है जब तक साक्ष्य हमारे लिए प्रमाणित ना हो। तो इसके संबंध में हम निश्चित जल्द ही कार्रवाई करके और जो पात्र होंगे उनको पेंशन की पात्रता दिलवाई जाएगी और जो नहीं होंगे उनको निश्चित रोका जाएगा। देखिए, ये ग्राम पंचायत स्तर पे इसके लिए एक समीक्षा सभा होती है कि कौन पात्र है और कौन नहीं। तो वर्तमान में उपस्थित सरपंच मैडम और सचिव मैडम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि पेंशन के संबंध में कोई ऐसी सभा में चर्चा नहीं हुई है, और हमारी उप संचालक कार्यालय में भी इसके संबंध में लिखित रूप से कोई आज तक आवेदन नहीं आया था कि हाँ पात्र हितग्राहियों को पेंशन दी जा रही है। तो अभी तत्काल हमारे ज्ञान संज्ञान में आते ही हमने इसके प्रति कार्रवाई की है और जैसे ही जो निर्णय होगा वो सर्वविदित कर दिया जाएगा। 2010 में मैं सरपंच बने, अब फर्जी वाला कम उम्र वाला मोला कोई जानकारी नहीं रही से आई, उन कहाँ फार्म भरें, कहाँ पंचायत मीटिंग करें, अनुमोदन होइस और कहाँ ग्राम सभा में मन करें, मोला कोई जानकारी नहीं। जब 40 जन के में फार्म भरें हमन प्रस्ताव सहित बुजुर्ग सियान मन के, उसमें भी कई जन के कट गए, और कटे के बाद जब लिस्ट महासमुंद से स्वीकृति हो के आईस तब मोला जानकारी हुई कि भाई ये कम उम्र वाले में भरे नहीं हो, ये कैसे फर्जी रूप से आईस, न एक प्रस्ताव नहीं है, न ग्राम सभा में कोई मीटिंग नहीं है। अभी जांच में जो भी ये मन बहुत दिन से फर्जी रूप से पेंशन ले थे वो पैसा शासन में जमा होना चाहिए। का पूछा थे पैसा कैसे कौन बना है, कहे तो सरपंच बना है, दूना सरपंच के साल हो गए, तब 7-8 साल हो गए जब जूना सरपंच सरपंच बने भी तब के दे थे पैसा। पूर्व सरपंच से शिकायत कर रही से और वही ओकरेज कार्यकाल में पेंशन बने रही से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और ओकरे मराए हन हमारे।